राधे 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 कृष्णा 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 जलड्डू गोपाल की जय। बाल गोपाल की आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे, नवरात्रे आने वाले हैं, चैत्र नवरात्रे 22 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे, तो आप क्या करें माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, जिससे माँ भगवती हमारे घर में आए और खूब अपना आशीर्वाद दे, सुख शांति सौभाग्य समृद्धि हमारे घर में सदैव बनी रहे। तो फ्रेंड्स, घट स्थापना कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए नवरात्रों में। और माँ भगवती को कौन सा कलर प्रिय है, माँ भगवती को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, तो लाल रंग की चुन्नी माँ को जरूर चढ़ाइए और माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, जिससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। और आप व्रत रखते हैं तो व्रत का पूरा फल आपको मिले विधि विधान से पूजा करने से माँ को प्रसन्न करें। नवरात्रों में अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने मंदिर को साफ सुथरा रखें, सुंदर सा सजाएं, इस तरह से नवरात्रों में करें इन बातों का ध्यान, जिससे माँ भगवती का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे, सुख शांति समृद्धि का सदा हमारे घर में वास रहे। नवरात्रों के दिनों में फ्रेंड्स, दिन में सोना नहीं चाहिए, जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सोना नहीं चाहिए। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय पाल गोपाल की।